हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं चावल का छिलका की रेसिपी। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नई नई खाने की रेसिपी मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए आज हम आपको बताएंगे चावल का छिलका की रेसिपी। छिलका बनाने के लिए हम 1/2 kg अरवा चावल लिए हैं। चावल को हम 2-3 बार अच्छे से धो लिए थे। इसके बाद हम चावल में पानी डाल के 7-8 घंटा रख दिए थे फूलने के लिए। फिर हम चावल को पानी से निकाल लिए थे और हम चावल का पानी सुखा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम चावल को मिक्सी जार में डाल लेंगे। सारा चावल डालने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। चावल हम सारा डाल चुके हैं, अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। हम इसे पीस के चावल का आटा बना लेंगे। चावल पिसा चुका है, अब हम पिसा हुआ चावल को चलनी में डाल के चाल लेंगे। चालने के बाद जो बच जाता है हम उसे दोबारा पीस के आटा बना लेंगे। हम चावल इसलिए फूलने दिए थे कि चावल अच्छे से पिसा जाए मिक्सी में। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पिसा चुका है। हम सब चाल लिए हैं, आप देख सकते हैं चावल का आटा बन चुका है। हम एक प्लेट में थोड़ा सा सरसों तेल ले लिए हैं और एक आलू को अच्छे से धो के हम नीचे में थोड़ा सा काट के हटा दिए हैं, आप भी देख सकते हैं। और आलू में चाकू घुसा लिए हैं इसलिए कि तवा में तेल लगाने में दिक्कत ना हो। हम एक कटोरी ले लिए हैं, इसमें हम चावल का आटा डाल लेंगे घोलने के लिए। हम एक कटोरी चावल का आटा ले लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके हाथ से मिलाएंगे और हम पतला सा घोल बना लेंगे। हम लगभग इसमें 1 गिलास पानी डाले हैं। हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हम तवा चढ़ा लिए हीटर में, ये गरम हो चुका है। अब हम पूरे तवा में आलू से तेल लगा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बैटर हाथ से। बैटर बीच में एकदम नहीं डालना है, साइड साइड में ऐसे हाथ से डालना है। ऐसे ही डाल के हम गोल बना लेंगे फैला के। आप भी देख सकते हैं हम कैसे बना रहे हैं, आप भी ऐसे ही बनाएं। और अब हम इसे एक प्लेट से ढक लेंगे। लगभग हम इसे 1-2 मिनट तक ढक के रखेंगे। थोड़ा देर हो गया है, अब हम प्लेट को उठा लेंगे। आप देख सकते हैं छिलका का साइड साइड में अपने खुद उखड़ चुका है, इसका मतलब छिलका अच्छे से पक चुका है। अब हम करछुल की मदद से छिलका निकाल के पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम अच्छे से पका लेंगे थोड़ा देर। हमारा छिलका रोटी बन चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे तवा से और इसे हम एक बर्तन में रख देंगे। ऐसे ही हम सारा छिलका बनाएंगे। सबसे पहले हम तेल लगा लेंगे तवा में वैसे ही, और अब हम इसमें डालेंगे बैटर हाथ से। आप देख सकते हैं हम कैसे डाल रहे हैं साइड साइड से धीरे धीरे, ऐसे ही आप भी डालें। अगर तवा ज़्यादा हीट हो जाए तो आप थोड़ा सा गैस कम कर ले, नहीं तो आप थोड़ा सा तवा उतार ले। अब हम इसे प्लेट से ढक देंगे वैसे ही जैसे पहले हम बनाए थे। एक साइड पक चुका होगा, अब हम प्लेट हटा लेंगे और अब हम इसे करछुल की मदद से निकाल के पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। चावल का छिलका बन चुका है, अब हम इसे तवा से उतार के एक बर्तन में रख देंगे। हमारा चावल का छिलका बनकर तैयार हो चुका है, आप भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है। झारखंड में बहुत ही फेमस है चावल का छिलका, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये छिलका खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा छिलका कितना पतला है ना।
बहुत ही अच्छा बना है हमारा छिलका, आप भी देख सकते हैं, है ना अच्छा। तो आप भी ऐसे ही छिलका रोटी अपने घर में बनाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।